जय हिंद, वेलकम टू सक्सेस एक जिद। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरओ ग्रीफ में जो आपकी व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट है, जो कि आपकी ADBT नंबर 02/2021 के अंडर आने वाली है। उसके एडमिट कार्ड के बारे में जितनी भी आपकी बातें हैं, जैसे कि उसकी जो कट ऑफ बनने वाली है वो किसके बेस पर बनेगी, कितनी बनेगी, कब यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, जो आपका पोस्ट है उसका सिलेबस क्या है, कितनी पोस्ट आपके रहने वाली हैं, आपकी भर्ती की जो भी कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है, आपके फॉर्म अप्लाई से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक जो भी बातें हैं, बिल्कुल सारी बातें, एक भी बात हम मिस नहीं करेंगे, सारी बातें बिल्कुल ऑफिशियल आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिएगा, जो भी आपकी एग्जाम डेट है, आपका एग्जाम सेंटर लोकेशन कहाँ पर कैसे रहने वाला है, मेरिट किस बेस पर बनेगी, जो भी बातें हैं, चलिए सारी बातें डिस्कस करते हैं। और आपकी भर्ती के बारे में जितने भी बातें आपको बताने वाले हैं, उन सभी का सबसे पहले आपको हम ऑफिशियल रीजन बताएंगे, एक ऑथेंटिक पॉइंट देंगे जिसको देखकर खुद आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि जो भी बातें यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं वो बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट रहने वाली हैं। और वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन जो भी पॉइंट आपको बताएंगे वो बिल्कुल डायरेक्ट आपका सिलेक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो जिस भर्ती की हम बात कर रहे हैं वो है आपके बीआरओ ग्रीफ व्हीकल मैकेनिक की। तो सबसे पहले हम आपकी ये बात डिस्कस करते हैं कि इस पोस्ट में आपके जो कट ऑफ बनेगी ना, वो कैसे और कब और कहां पर बनेगी। तो सबसे पहले आपके जो कट ऑफ यहां पर बनती है वो बनती है आपकी एग्जाम के कॉल लेटर के लिए, क्योंकि यदि आपको पता हो तो इस भर्ती में, व्हीकल मैकेनिक की भर्ती में, जो सबसे पहली चीज़ आपकी कंडक्ट होगी वो है आपका रिटर्न एग्जाम, और एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा जो कि आपका ओमर बेस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके एग्जाम के लिए जो कॉल लेटर, जो एडमिट कार्ड आपको भेजे जाएंगे उसकी कट ऑफ बनेगी। सेकंड चीज़ें, जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसकी कट ऑफ बनेगी, जो कि आपके रिटर्न एग्जाम के बेस पर बनने वाली है। नंबर तीसरी चीज़, इस भर्ती में आपका स्किल टेस्ट भी होगा, जिसको हम ट्रेड टेस्ट या फिर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट भी बोलते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो स्किल टेस्ट है ना वो आपका नंबर तो है, इसके नंबर आपको मिलेंगे लेकिन वो आपके मेरिट में जो है काउंटर नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि स्किल टेस्ट आपको पास करना जरूरी है लेकिन इसका मेरिट में कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो उसके बाद यहां पर आपको जो फिर एक और कट ऑफ बनेगी वो बनेगी आपके फाइनल मेरिट में, यानी कि आपका एग्जाम, आपका स्किल टेस्ट या फिर जितने भी आपकी अदर प्रोसेस हैं उन सभी को कंप्लीट करने के बाद आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें भी कट ऑफ आपकी बनने वाली है। तो यहाँ पर कुछ आपकी ऐसी स्टेज हैं जहाँ पर कट ऑफ आपकी बनती है भर्ती में, वो सारी स्टेज आपको हमने बता दी हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो आपका सबसे बड़ा पॉइंट है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके रिटर्न एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड आने वाले हैं उसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। तो सबसे पहली चीज़, जो आपके कट ऑफ आपको बताने वाले हैं उसका रीजन आपको बताएंगे। रीजन कौन कौन से हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर आपके रिटर्न एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड आने वाले हैं उनके जो कट ऑफ बनेंगे ना, वो आपकी कैटेगरी वाइज बनने वाली है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जो आपके रिजर्व कैटेगरी हैं SC ST OBC EWC फिजिकल हैंडीकैप्ड, वो आपके जनरल में काउंट कर दी जाएंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपकी पोस्ट है, उस पोस्ट की हर एक कैटेगरी वाइज ही आपके एडमिट कार्ड जो है आउट किए जाएंगे और आपकी जो कट ऑफ है ना वो भी आपकी कैटेगरी वाइज बनेगी। सेकंड चीज़, यहाँ पर जो आपके एडमिट कार्ड आते हैं रिटर्न एग्जाम के लिए वो आपके दो चीज़ के बेस पर आते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहले है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, प्लस में जो आपका एक्स्ट्रा वेटेज है उसके बेस पर यहाँ पर आप के कॉल लेटर जारी किए जाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा वेटेज है वो क्या है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमने ओपन किया हुआ है, और इस नोटिफिकेशन में जो आपकी एक्स्ट्रा वेटेज की जानकारी दी गई है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ आप लोग नोट कीजिएगा, वो चीज़ क्या है कि वेटेज फॉर इश्यू ऑफ कॉल लेटर ओनली, ये जो ओनली शब्द है ना इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जिसका मतलब ये है कि ये जो आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा यानी कि आपके जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन में आपके जो परसेंटेज है ना उसमें आपकी ये परसेंटेज ऐड होगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके एग्जाम के लिए आपके एडमिट कार्ड आएंगे उसमें आपको वेटेज मिलेगा। इसके बाद जो भी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी, जो भी आपके मेरिट बनेगी, उन सभी में यहाँ पर इस चीज़ का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। अब फायदा एक बार किसका कितना मिलेगा वो भी देख लीजिए। यहाँ पर आपके जो बीआरओ ग्रुप में सर्विंग या फिर रिटायर्ड पर्सनल हैं उनकी पहली संतान को, उनके पहले पुत्र को 15% का वेटेज मिलेगा। एनसीसी की यदि सी सर्टिफिकेट है तो 10%, और एनसीसी की यदि बी सर्टिफिकेट है तो आपको 5%। नंबर 3, यहाँ पर यदि आप सर्विंग बीआरओ ग्रुप में पर्सनल हैं, आप हायर पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपको 15% वेटेज मिलेगा। यदि आप सन ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 3% वेटेज मिलेगा। यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको 5%, और यदि आप बीआरओ ग्रुप में सीपीएल जिसका मतलब होता है कैजुअल पेड लेबर हैं तो आपको 10% का वेटेज मिलने वाला है। और यहाँ पर फिर से बताता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो एडमिट कार्ड की कट ऑफ बनेगी रिटर्न एग्जाम के लिए उसमें ही काउंट किए जाएंगे। तो ये थे आपके एडमिट कार्ड के सबसे मेन पॉइंट कि आपके एडमिट कार्ड की कट ऑफ कैटेगरी वाइज बनेगी दो चीज़ों के बेस पर, एक्स्ट्रा वेटेज प्लस में असेंशियल क्वालिफिकेशन की परसेंटेज को मिलाकर आपकी कट ऑफ बनेगी। और ये कट ऑफ जो बनेगी ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के लिए बनने वाली है, आपके एग्जाम के कॉल लेटर के लिए। अब यहाँ पर कुछ और बातें हैं जो आपको हम बताना चाहेंगे, वो कौन कौन सी बातें हैं ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो कट ऑफ आपकी बनती है ना एडमिट कार्ड की, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, वो आपकी कन्फर्म नहीं है। अब कन्फर्म क्यों नहीं है तो देखिए, आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे ना वो आपके किसके बेस पर आएंगे, असेंशियल क्वालिफिकेशन की परसेंटेज के बेस पर। लेकिन उससे पहले आपकी एक और चीज़ काउंट होगी, वो है आपके टोटल नंबर ऑफ फॉर्म। अब ये क्या चीज़ है तो देखिएगा, यहाँ पर आपका बीआरओ ग्रुप है जो आपके एडमिट कार्ड आउट करता है वो करता है टोटल वैकेंसी के 10 गुना, जितने आपकी वैकेंसी हैं उसको 10 से गुणा कर दीजिएगा, आपके एडमिट कार्ड कितने बच्चों को भेजे जाएंगे उसकी संख्या आपके सामने निकल कर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म आपके भेजे जाते हैं आपकी तरफ से, उसमें भी आपकी दो चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहली चीज़ आपको हमने बता दी कि आपकी वैकेंसी प्लस में आपके नंबर ऑफ फॉर्म देखे जाएंगे। तो जितने नंबर ऑफ फॉर्म आपके तरफ से अप्लाई होते हैं वहां पर करेक्ट फॉर्म कितने हैं और इनकरेक्ट फॉर्म कितने हैं, यानी कि मान लीजिए एक पोस्ट के लिए बीआरओ ग्रुप को एडमिट कार्ड कितने भेजने हैं, 10 एडमिट कार्ड भेजने हैं, लेकिन फॉर्म आपके अप्लाई हो जाते हैं 100 फॉर्म आपके अप्लाई हो जाते हैं, यानी कि 90 फॉर्म आपके रिजेक्ट होंगे। लेकिन इससे पहले बीआरओ ग्रुप आपके फॉर्म की स्क्रूटनी करेगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है वो आपका बीआरओ ग्रुप के जो भी यहाँ पर रूल हैं उसके अकॉर्डिंग है या फिर नहीं। और अगर 100 में से आपके 90 फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ 10 फॉर्म सही पाए जाएंगे ना, तो वहाँ पर कोई कट ऑफ आपके नहीं बनेंगे, सभी के एडमिट कार्ड भेज दिए जाएंगे। ये सबसे मेन चीज़ है, आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जितनी वैकेंसी हैं उसके 10 गुना आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो भेजे जाएंगे, 10 गुना से कम एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे, ज़्यादा भेजे जा सकते हैं, यानी कि एक वैकेंसी के लिए 10 की जगह जो 15 एडमिट कार्ड है ना, 15 गुना वो तो भेजे जा सकते हैं, लेकिन 10 की जगह 9 एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब इसका जो ऑफिशियल प्रूफ है चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो लिस्ट आप लोग देख रहे हैं ये है जस्ट आपकी ये जो भर्ती है ना व्हीकल मैकेनिक की, इससे पहले वाली भर्ती के जो आपकी पोस्ट कौन सी है
आपकी पोस्ट का नाम है एसकेटी स्टोर कीपर टेक्निकल, जिसका एडीवीटी नंबर है जस्ट आपके पहले वाला एडीवीटी नंबर 01/2021 रखा गया है। तो यहाँ पर आपका जो एडम कार्ड आए है ना, वो आपके हर एक कैटेगरी की कट ऑफ के बेस पर आए हैं, जहाँ पर यूआर के 74, एससी के 76, एसटी के 68, ओबीसी की 80 और ईडब्ल्यूएस की 74 कट ऑफ यहाँ पर आपकी बनी थी। लेकिन इसी भर्ती में एक और पोस्ट देखिएगा, तो यहाँ पर आपके जो एसकेटी की पोस्ट थी ना, उसी भर्ती में आपकी एक और पोस्ट है जिसका नाम है MSWDES ड्राइवर इंजन स्टैटिक है, और एडीबीटी नंबर आप लोग देख सकते हैं सेम है 01/2021। तो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ बनी है एडम कार्ड की, वो देखिएगा कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट से कोल्ड, यानी कि जितने भी आपके एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना फॉर्म सही से फिल किया था, उन सभी को एडम कार्ड जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर कोई कट ऑफ आपके एडम कार्ड की नहीं बनी है। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर आपके फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हो जाते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं उसके बेस पर आपकी कट ऑफ बनेगी। अगर फॉर्म आपके जितने BRO ग्रुप को ये उतने फॉर्म आपके अप्लाई हो जाते हैं और सही फॉर्म अप्लाई पाए जाते हैं, तभी आपकी कट ऑफ है जो है वो निर्धारित की जाती है। अब यहाँ पर आपकी इन सभी पॉइंट के बेस पर जो कट ऑफ है व्हीकल मैकेनिक की, वो कितनी बन सकती है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, आपके इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सबसे पहली चीज़ जो आपके एडम कार्ड की कट ऑफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। व्हीकल मैकेनिक की जो वैकेंसी है वो टोटल आपके 293 रखी गई है। एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको दी गई है, जिसमें आपकी यूआर की 121, एससी की 51, एसटी की 28, ओबीसी के 64 और ईडब्ल्यूएस की टोटल 29 वैकेंसी, इन सभी को मिलाकर 293 वैकेंसी यहां पर आपकी व्हीकल मैकेनिक की रहने वाली हैं। तो यहां पर सबसे पहली चीज़ कि क्या आपकी कट ऑफ बनेगी या फिर नहीं, तो देखिएगा जो आपकी कट ऑफ बनेगी ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो डिपेंड करती है आपके फॉर्म के ऊपर। और यहाँ पर आपके फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी ना, वैसे तो वो 17 जनवरी थी, लेकिन कुछ आपके स्पेशल स्टेट हैं जिनके लिए वो डेट आपकी 1 फरवरी लास्ट डेट निर्धारित की गई थी। तो 1 फरवरी के बाद लगभग ये मान के चलिएगा कि 1 से 1.5 महीना आपके फॉर्म के सिक्योरिटी में लग जाएगा, और ये मान के चलिए कि आपकी या तो मार्च की कतई लास्ट में या फिर अप्रैल साल 2022 में आपके जो एडम कार्ड हैं वो आउट कर दिए जाएंगे। फिर से बताता हूँ कि 1 से 1.5 महीना फॉर्म के सिक्योरिटी में लगेगा, उसके बाद या तो मार्च की कतई लास्ट में या फिर अप्रैल के 1 में आपके एडम कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, अगर यहाँ पर कोविड की वजह से सिचुएशन खराब नहीं हुई तो, कि हम बात कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए आपका जो एडम कार्ड आएंगे ना, वो आपके दो तरीके से जारी किए जाएंगे। पहली चीज़ जो आपके BRO ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपकी लिस्ट आएगी जिनके एडम कार्ड आउट किए जाएंगे, उस लिस्ट में सभी का नाम दे दिया जाएगा। सेकेंड चीज जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, उस एड्रेस पर भी आपका जो कॉल लेटर वो डाक के थ्रू पहुँच जाएगा। तो दो तरीके से आपका एडम कार्ड आएगा, आपको जो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो भी चीजें होंगे ना सक्सेस एक जगह आपके बिल्कुल टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहेगा, आपको हर अपडेट टाइम टू टाइम में मिलती रहेगी। तो यहां पर आपके जो BRO ग्रुप में व्हीकल मैकेनिक के एडम कार्ड की कट ऑफ वो कितने बनेगी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहां पर 99% चांस यही है कि आपके एडम कार्ड की कट ऑफ न बने। अभी ये क्यों चीज है ये सुनिएगा। यहां पर देखिए आपके जो सबसे मेन चीज़ है वो इसकी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि इसको जो क्वालिफिकेशन है ना, इसमें आपकी ITI मांगी गई है। यदि आपके पास ITI की सर्टिफिकेट है तो ही यहाँ पर आप लोग एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप लोग 10th पास होने पर इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और अप्लाई कर भी देते तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो होती है ना, सबसे पहली चीज़ तो हर किसी के पास नहीं होती है, और जिसके पास होती है वो आपके फॉर्म अप्लाई करने में गलती कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म इसका अप्लाई करना होता है, इसके डॉक्यूमेंट, इसके सिग्नेचर, इसकी वेरिफिकेशन, इसकी फीस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग निश्चिंत रहिएगा,
जाएगा। सबसे पहली चीज 99.99% चांस तो यही कि आपके एडमिट कार्ड की कट ऑफ न बने। सेकंड चीज, अगर कट ऑफ बन भी जाती है तो अगर आपके 65% से अबव हैं, कितने से, अगर आपके 65% से ऊपर नंबर हैं तो यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा अगर कट ऑफ बनेगी तो, कि हम बात कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर कट ऑफ नहीं बनती तो सभी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे अगर आपने फॉर्म सही से फिल किया है। और कट ऑफ बनेगी तो 65% नंबर होने पर भी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ज़्यादा कट ऑफ आपकी इसकी ऊँची नहीं जाएगी। ये आपका सबसे बड़ा रीज़न है आपकी विकल्प करने की पोस्ट के एडमिट कार्ड की कट ऑफ बनने का। हो गई बात क्लियर है? तो एडमिट कार्ड कब आएंगे आपको हमने बता दिया, या तो मार्च के कहते लास्ट में या फिर आपके अप्रैल के फर्स्ट में। अब पहली प्रोसेस आपकी क्या होगी? पहली प्रोसेस होगी आपका रिटर्न एग्जाम। अब रिटर्न एग्जाम कैसे क्या होगा वो सुनिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है वो आपका कहाँ पर होगा। तो देखिएगा, आपकी भर्ती के दौरान जितने भी प्रोसेस हैं, जैसे कि आपका रिटर्न टेस्ट, आपका फिजिकल टेस्ट, आपका प्रैक्टिकल या फिर ट्रेड टेस्ट, वो सब आपका कहाँ पर होगा? वो होगा आपका ग्रिप सेंटर पुणे में। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, अभी जो मैंने लिस्ट आपको दिखाई थी SKT और DSA जस्ट आपसे पहली बार भर्ती, तो वहाँ पर इनके एग्जाम सेंटर SKT और DSA अलग अलग जगह पर बनाए गए थे। और क्यों बनाए गए थे? क्योंकि वहाँ पर जो आपके एडमिट कार्ड जारी किए गए थे जिनका एग्जाम होने वाला था उनकी संख्या ज़्यादा थी। तो अगर आपके एडमिट कार्ड ज़्यादा मात्रा में इश्यू किए जाते हैं तो वहाँ पर यही चांस है कि आपका जो एग्जाम वो आपका अलग अलग सेंटर पर कंडक्ट किया जाए। अब यहाँ पर आपका एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है वो आपका सब्जेक्टिव होगा या फिर आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पर देखिए, BR ग्रिफ का जो एग्जाम पैटर्न है ना, वैसे तो वो कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद ये बात कही गई है कि जो रिटर्न टेस्ट है ना वो आपका ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव हो सकता है। और यदि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव रहा तो वो आपका OMR बेस्ड होगा, और यदि आपका एग्जाम सब्जेक्टिव हुआ तो वो आपका आंसर शीट पर जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो कोई फिक्स नहीं है, ये बात आपकी BR ग्रुप ने खुद कही है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि 99% चांस यही है कि आपका जो एग्जाम है वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस हो, यानी कि आपका OMR बेस्ड एग्जाम भी कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा यदि कुछ स्पेशल चांस आपके वहाँ पर BR ग्रिफ के द्वारा जारी किए जाते हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन आपके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो वो आपको हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। लेकिन आपको हम फिर से बताते हैं कि सबसे ज़्यादा चांस यही कि आपका एग्जाम OMR बेस्ड हो। तो अब यहाँ पर देखिएगा, जो आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में आपका जो सिलेबस है वो क्या कुछ रहेगा, वो सबसे आपका मेन पॉइंट है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो आपका सिलेक्शन तय करेगा। तो अब देखिए, आपका जो सिलेबस है ना वो टोटल आपका दो सेक्शन में डिवाइड है। कौन कौन से सेक्शन में? एक है आपका ट्रेड का सिलेबस और दूसरा है आपका जनरल नॉलेज। अब क्या कुछ सिलेबस है देखिएगा, यहाँ पर एक आपका टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल या फिर डीजल इंजन, नंबर दो है चेकिंग ऑफ फॉल्ट्स, नंबर तीन है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इंजन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फ्यूल सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, क्लच सिस्टम और चेसिस, और उसके बाद है आपका जनरल नॉलेज। तो ये सभी आपके वो टॉपिक हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, जो भी आपका सिलेबस है ना उसकी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल पूरे गारंटी, पूरे विश्वास के साथ सक्सेस एजिद आपको तैयारी करवाएगा, जिस तरीके से SKT, DESA या फिर आपकी जो मेसन की भर्ती थी, आपकी पहले वाली भर्ती में जो भी आपकी पोस्ट थी वहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई थी और अच्छे खासे सिलेक्शन दिए थे, और उसी तरीके से पूरे विश्वास के साथ यहाँ पर आपको हमें व्हीकल मैकेनिक की भी तैयारी करवाने वाले हैं, जिसके लिए स्पेशल बैच आपका आउट किया जाएगा। और बैच ज्वाइन करने के लिए आप लोग नीचे दिए व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये तो आपका हो गया सिलेबस। अब एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो सुनिएगा।
तो जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आपको हमने पहले बता दिया कि कोई फिक्स नहीं है, वो आपका सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन मोस्टली चांस है आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव होने के। और आपके जो एग्जाम की ड्यूरेशन है ना, वो भी आपकी वैरी रहेगी आपके एग्जाम पैटर्न के बेस पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव होगा उसके बेस पर ही आपका एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 1 से लेकर 3 घंटे के बीच में कितना भी हो सकता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर जो आपके पोस्ट है उसमें रिटन एग्जाम के बाद जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है, जिसको हम ट्रेड टेस्ट भी बोलते हैं, वो कंडक्ट होगा। और आपके ट्रेड टेस्ट में या फिर स्किल टेस्ट में आपको कम से कम सभी कैटेगरी को 40% जो नंबर हैं वो लाने अनिवार्य हैं, उसके बाद ही आप लोग क्वालिफाई माने जाएंगे। यदि कम से कम आप लोग 40% स्किल टेस्ट में नहीं लाते तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपकी भर्ती में जो फिजिकल है वो भी कंडक्ट की जाएगी। फिजिकल आपकी 1 मिनट रेस होगी, जो कि आपको 10 मिनट में पास करनी होगी, जो कि बिल्कुल आराम से आप लोग पास कर देंगे। और फिजिकल के कोई नंबर आपको जो है नहीं दिए जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पास करनी होगी। ओके, तो सबसे पहले आपके क्या चीज़ कंडक्ट होगा आपको उन्हें बता दिया, वो है आपका रिटन एग्जाम। उसके बाद आपकी क्या चीज़ कंडक्ट होगी, आपकी फिजिकल होगी जो ये आपको हमने दिखाई है। देन आपका होगा ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट, जिसमें कम से कम आपको जो 40% नंबर लाने अनिवार्य हैं। उसके बाद आपका क्या चीज़ कंडक्ट होगा, देन आपका जो प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन है, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन है, वो कंडक्ट होगा। और उसके बाद यहाँ पर यदि मेडिकल फिट आप लोग पाए जाते हैं तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी, आप लोग फाइनली बिहार ग्रुप में सिलेक्ट हो जाओगे। तो ये आपके भर्ती कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर आपको उन्हें बताई है। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और अब आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो देखिएगा यहाँ पर यदि आप लोग इस भर्ती का स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरे गारंटी पर विश्वास के साथ आपको तैयारी करवाई जाएगी। और जो पिछले सिलेक्शन है, जो पिछली भर्ती का यहाँ पर आपका बैच है, डेमो है, वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वो आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो आगे की अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्पेशल बैच के लिए नीचे दिए व्हाट्सएप में आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।